हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इयत्ता चौथी मराठी का लेसन नंबर 24। लेसन का नाम है ईद। बच्चों, हमारे इंडिया में बहुत सारे त्यौहार होते हैं और त्यौहार में हमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि त्यौहार जो है हम सब मिलजुल कर बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। तो ऐसा ही एक त्यौहार है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है ईद। ईद बच्चों मुस्लिम लोगों का एक बड़ा फेस्टिवल है जिसको वो बड़े प्यार से मनाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं एका व वाचा। जॉन, सुरभि, अजय, सगड़े खेड़त होते। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक का नाम है जॉन, एक लड़का है, सुरभि एक लड़की है और अजय एक लड़का है। ये तीनों आपस में सगड़े का मतलब होता है बच्चों मिलकर, सब जन मिलकर खेड़त होते। ये तीनों जॉन, सुरभि और अजय सब लोग मिलकर खेल रहे थे। इतक्यात शेजारचा उस्मान आला। इतने में बाजू में, शेजारचा मतलब उनके बाजू में रहने वाला, नेबर में रहने वाला उस्मान एक लड़का था, वो आया वहाँ पे। त्याने आज नवीन कपड़े घातले होते। उसने, जो उस्मान था वो आया, उसने आज न्यू कपड़े पहने हुए थे। तो जवड़ ये ताज अजय ने विचार ले। जैसे ही, जवड़ मतलब नज़दीक, जैसे ही उस्मान नज़दीक आया तो अजय ने उसको बोला, अरे उस्मान आज नवीन कपड़े, आज काय वाढदिवस आहे का तुझा। अब जो अजय है, जैसे ही उस्मान नज़दीक आता है तो अजय उससे पूछ रहा है, अरे उस्मान आज तुमने नए कपड़े पहने हैं, न्यू कपड़े पहने हैं, आज क्या तुम्हारा बर्थडे है। उस्मान अभी इसको रिप्लाई करता है, नहीं नहीं नहीं, आज रमज़ान ईद आहे। उस्मान उसको आंसर कर रहा है कि नहीं, आज रमज़ान ईद आहे। अम्मी ने तुम्हा सर्वाना लगेज गरी बोलावला। अब उस्मान बोल रहा है अम्मी ने, उस्मान की जो मदर है उसके बारे में बता रहा है। उस्मान मतलब उसकी मम्मी ने, उस्मान की मम्मी ने वो बता रहा है कि तुम सबको आज जल्दी से अभी घर पर बुलाया है। मतलब उन सब बच्चों को जो उस्मान के फ्रेंड्स थे, उस्मान की मम्मी ने उन सबको अभी के अभी अपने घर पे इनवाइट किया है। अजय कशाला, अब अजय उससे पूछा है, क्यों बुला है तुम्हारी मम्मी ने। उस्मान, अरे शीर खुरमा खाइला। उस्मान उसको बोलता है, अजय को, अरे शीर खुरमा खाने के लिए चला सगरेज जाऊया, चलो चलो सब मिलकर चलते हैं, जाते हैं। सगड़े मिड़ून उस्मानच्या घरी जाता। सब लोग, सगड़े मतलब सब लोग, मिड़ून मतलब मिलकर उस्मान के घर के तरफ जाते हैं। अम्मी, अब वो उस्मान के घर पर आ गए हैं। अब उस्मान की मम्मी बोल रही है, या मुलानो बसा आज ईदचा दिवस। अब उस्मान की मम्मी जो है, उसके घर पे मेहमान आए हैं, वो खुश है और उनको अच्छे से वेलकम कर रही है। बोल रही है, आ जाओ बच्चों, बसा मतलब बैठो, आज ईद का दिवस मतलब आज जो है ईद का दिन है। आमच्या कड़े आज शीर खुरमा अस्तो, हमारे घर पर आज शीर खुरमा बना है। सगड़ानी पोट भर खा, सब लोग पेट भर कर खाओ। सुरभि, अम्मी शीर खुरमा मणजे काय। अब ये जो सुरभि लड़की है वो उस्मान की मम्मी को बोलती है, अम्मी कि शीर खुरमा का क्या मतलब है। अम्मी, शीर खुरमा मर्जे शेव्यांची खीर, त्या मदे दूध साखर मनुके काजू खारीक बदाम
इत्यादि पदार्थ अस्तात। अब जो अम्मी है ना पूरा डिटेल में बता रही है सुरभि को, क्योंकि सुरभि को पता नहीं है कि शीरखुरमा क्या है, तो जो अम्मी है ना वो उसको एक्सप्लेन कर रही कि शीरखुरमा में क्या क्या पड़ा हुआ है। अब देखिए ये बता रही है शीरखुरमा के अंदर वो जो है शीरखुरमा जो है शेवी की सेवइयों की खीर होती है और उसके अंदर त्यामदे मतलब उसके अंदर दूध मतलब मिल्क होता है, साखर मतलब शुगर होता है, मनुके होते हैं, काजू मतलब कैशू नट्स होते हैं, खारीक मतलब जो ड्राई होता है ना खजूर वो होता है, बादाम मतलब एलमंड्स होते हैं, इत्यादि मतलब एक्सेट्रा पदार्थ अस्तात मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ उसके अंदर होता है। ये बच्चों एक स्वीट डिश होती है शीरखुरमा, बहुत टेस्टी होती है। ये मुस्लिम जब उनके घर में ईद होती है ना तब बनाते हैं, तो ये सेवइयों की खीर होती है और बड़ी टेस्टी होती है। हे सांगता सांगता अम्मी ने सर्वाना शीरखुरमा दिला। ये बोलते बोलते जो उस्मान की मम्मी है ना उसने सबको शीरखुरमा दिया। मुले आनंदा ने खाऊ लागले, सब जो बच्चे हैं बड़े प्यार से शीरखुरमा खाने लगे। जॉन, खरच अम्मी शीरखुरमा खूपच शान झाल्या। अब जॉन जो है वो बोल रहा है कि सच में अम्मी, खरच मतलब सच में अम्मी जो शीरखुरमा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। सर्वजन, अच्छा ये तो आमी। अब सब लोग शीरखुरमा खा लिए, अब सब लोग मिलकर बोल रहे हैं कि हम लोग चलो हम लोग आते हैं। अम्मी, परत या भर का। अब अम्मी उनको बोल रही है कि वापस ज़रूर आना। पुर्चा ईदला पण या शीरखुरमा खायला, मतलब नेक्स्ट ईयर जो ईद आएगी ना उसमें भी ज़रूर आना और आके शीरखुरमा खाना। तो देखिए कितने प्यार से अम्मी और उस्मान बच्चों को शीरखुरमा खिला रहे हैं और बच्चे भी बड़े प्यार से खा के इंजॉय कर रहे हैं। तो कितना प्यारा प्यारा लेसन था ना बच्चों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जैसे मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं उनके लिंक आपको भेज सके। मैंने पहले भी वीडियो बनाए वो आप देख सकते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड के भी बनाए हैं। अगर आपको बच्चों कहीं दिक्कत आती है पढ़ाई में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भेजिए, तो मैं आपको वो लेसन पढ़ा दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए।